सत श्रीकाल विद्यार्थियों, मैं अर्चना अरोड़ा, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामू जोया, फाजिलका से। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का व्याकरण का विषय अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के क्या क्या नियम होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है। अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है? अनुच्छेद बेटे वह क्या होता है? अनुच्छेद होता है एक ही पैराग्राफ में अपनी बात को कहना, और निबंध होता है अलग अलग पैरा बनाकर, अलग अलग अनुच्छेद बनाकर उसको लिखा जाता है। और इनकी जो लंबाई होती है अनुच्छेद की और निबंध की, उसमें भी काफ़ी अंतर होता है। अनुच्छेद छोटा होता है और निबंध बड़ा होता है। अनुच्छेद ज़्यादातर 100 और 120 शब्दों के बीच में लिखने के लिए कहा जाता है, और हद से ज़्यादा हम 150 शब्दों तक अनुच्छेद लिखते हैं। और लेकिन जो निबंध होता है वो 500 शब्दों का भी हो सकता है, 600 शब्दों का भी हो सकता है। तो ये अंतर है अनुच्छेद और निबंध में। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद, पहली बात तो मैंने आपको बताई दी कि अनुच्छेद जो होता है वो संक्षिप्त होता है, उसको एक ही पैराग्राफ में एक ही, तभी तो उसका नाम अनुच्छेद है, एक ही अनुच्छेद के अंदर हमें पूरा करना होता है। और शुरू जहाँ से होता है उसको हम एक ही लाइन से चलते हैं, और उसका एंड जो होता है विषय के अनुसार एक ही पैराग्राफ के अंदर करते हैं। अनुच्छेद में निबंध की तरह कोई भूमिका नहीं होती, कोई उसके अलग अलग टॉपिक नहीं बनाए जाते, और कोई उसका उपसंहार नहीं होता। निबंध जैसे हम लिखते हैं तो पहले हम उसकी भूमिका बांधते हैं कि भूमिका में क्या आएगा, फिर उसके बाद उसको अलग अलग पैराग्राफ बनाकर उस विषय वस्तु के बारे में लिखा जाता है, और एंड में लिखते हैं उपसंहार। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही अनुच्छेद के अंदर हमें पूरी बात को पूरा करना होता है। अनुच्छेद में अगर हमें शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है कि 100 शब्दों में या 100 से 120 शब्दों के अंदर अनुच्छेद लिखिए, तो हमें उस सीमा का ध्यान रखना चाहिए, और इसी तरह उसी सीमा के अंदर ही हमें अपने अनुच्छेद को पूरा करना चाहिए। अनुच्छेद का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम निबंध में उसका विस्तार करके एक ही बात को घुमाकर किसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद के अंदर अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होना चाहिए, इससे बड़ी सरलता से हमारा विषय जो है वो स्पष्ट हो जाता है। भाव ये है कि अनुच्छेद जो है वो सरल भाषा में लिखें और एक दूसरे से उसकी जो पंक्तियाँ हैं वो जुड़ी हों, ताकि देखने वाले को, पढ़ने वाले को पूरी तरह से समझ आए और अच्छा लगे। भाषा जो है वो हमारी विषय के अनुसार होनी चाहिए। यदि विषय विचार प्रधान है तो उसमें तर्क होने चाहिए, यदि विषय भावात्मक है तो उसमें भावों की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी हमें समस्या के ऊपर, अगर जैसे हम दहेज प्रथा के ऊपर लिखते हैं अनुच्छेद, तो उसको हम, उसमें हम समस्या को ले रहे हैं, एक विचार रख रहे हैं उस समस्या के ऊपर, तो उसके हम अंदर हम तर्क को वितर्क का से काम ले सकते हैं। लेकिन यदि अनुच्छेद हमारा भावात्मक है, किसी भावना से जुड़ा हुआ है, तो जैसे मैं लिखती हूँ मेरी दिनचर्या, तो हम, या मेरे जीवन का लक्ष्य, तो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो हमें उसी के लिए, उसी के अनुसार ही हमारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद के विषय सरल और रुचिपूर्ण और आसपास की घटनाओं से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद की हर बात व्यवस्थित और क्रमबद्ध होनी चाहिए। ठीक है बेटे, ये अनुच्छेद के बारे में कि अगर हम अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। 10वीं कक्षा में अनुच्छेद का एक महत्वपूर्ण स्थान है, 5 अंक का ये हमारी कक्षा के अंदर आता है। ठीक है बेटे, तो इसको आपने, अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अनुच्छेद लेखन।